दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह ने अपनी खतरनाक रफ्तार से तीसरे दिन साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ाकर बैक टू बैक विकेट लेकर कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है ना, जो आज तक अफ्रीका की सरजमी पर कोई बना ही नहीं पाया। आखिरकार कैसे बुमराह की रफ्तार के आगे आज सभी के सभी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी फीके पड़ते नजर आए। दोस्तों, कैसे बुमराह ने एक के बाद एक विकेट लेकर आज साउथ अफ्रीकी टीम को बेबस बनाकर रख दिया। आपको बुमराह की गेंदबाजी और भारत के जाबाजों की गेंदबाजी का भी पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना ना, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब एक रोमांचक मोड़ ले चुका है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीरीज में इस मैच की शुरुआत हमारे नाम बिल्कुल नहीं थी। सेंचुरियन के मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बेबस थे, बात चाहे रोहित की, यशस्वी जायसवाल की या शुभमन गिल की क्यों ना हो, सबके रन मिलाकर ना 20-25 भी नहीं बैठ रहे थे। हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने उस वक्त पर 38 रन लगाए थे और केएल राहुल का शतक भी निकला जो कि दूसरे दिन तक चला, और दोस्तों उनकी 101 रन की पारी के दम पर हम 245 तक पहुंचे। लेकिन कट टू शॉर्ट, आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू होता है ना, तो डीन एल्गर एक तलवार बनकर भारत के सामने खड़े हुए थे, जो कि मैदान से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट 5 विकेट जो दूसरे दिन में गिरे थे ना, उसके बाद भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा। 140 रन से इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी आज तीसरे दिन के खेल में, और बैक टू बैक बाउंड्री लगाए चले दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए। हालांकि दोस्तों, फिर शार्दुल ठाकुर ने इनका विकेट लेकर भारत को पहला और एक महत्वपूर्ण विकेट दिलाया लंच सेशन से पहले, और अश्विन भी जाते जाते कॉटजी का विकेट ले गए। लेकिन असली समा बांधा दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों, बुमराह जो कि पहले भी इसी इनिंग के दौरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट ले चुके थे टोनी डी जोर्जी का और पीटरसन का, उन्होंने फिर से अपनी गेंदबाजी के कर्तव्य दिखाए और भारत के लिए अंतिम पलों में रन बचा लिए। दोस्तों, मैच जीतने के लिए तो एक एक रन काफी होता है, और बुमराह ने वही सब रन बचाए अपनी दमदार गेंदबाजी से। सब विकेट तो ले रहे थे, लेकिन बुमराह ने 2 ओवर में आकर पूरी पारी को समेट कर रख दिया। सबसे पहले 200 पारी के 101वें ओवर की बात करते हैं। अभी रबाड़ा ने आकर मैदान में पैर जमाने शुरू किए ही थे, 9 गेंदे खेलकर सबको खूब थका रहे थे कि दोस्तों इस 101वें ओवर की 5वीं गेंद बुमराह ने इतनी तेज गति से डाली कि वो सीधा जाकर विकेट्स में घुस गई और रबाड़ा क्लीन बोल्ड हो गए। 1 रन पर उनका विकेट मिला, और बर्गर नाम के एक खिलाड़ी जो भारत के न जाने कितने विकेट ले गए ना, उन्हें तो बुमराह ने आते ही उनके चिथड़े उड़ा कर रख दिए। पारी के 109वें ओवर की 4थी गेंद पर उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया, तो कुल मिलाकर दोस्तों बुमराह के नाम 4 विकेट दर्ज हो गए। और आपको यह भी बता दें कि बुमराह ने मात्र 70 से भी कम रन देकर ये 4 विकेट लिए, और उनका जो इकोनॉमी रेट है वो सबसे कम 2.60 का। अब इतने ओवर डालकर इतने ज्यादा विकेट लेना, वाकई में ये कारनामा बुमराह ही कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, बुमराह ने तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों उनके टेस्ट करियर की, तो बुमराह के नाम नाम अब टेस्ट में पूरे 132 विकेट हो चुके हैं, और सेंचुरियन के मैदान पर भारत की तरफ से ऐसे बहुत ही कम तेज गेंदबाज होंगे जो 70 से कम रन देकर 4 विकेट एक इनिंग में अपने नाम कर गए। है ना दोस्तों, कमाल का रिकॉर्ड, और ऐसा कारनामा वाकई में बुमराह ही कर सकते हैं। तो बुमराह की गेंदबाजी, उनके रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के हलक से इस मैच को निकाल दिया है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।